आपको बता दें कि रोहतास जिले के करगहर में राजद नेता व वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव की हत्या रविवार की अहले सुबह करीब 8 बजे में अपराधियों द्वारा की गई थी, जिसमें अज्ञात बाइक सवार द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। तभी एक वीडियो बना रहे युवक को पुलिस हिरासत में ले लिया था, जहां उक्त घटना की पुष्टि करते हुए सासाराम सदर SDPO संतोष कुमार राय ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान दीपक पाठक पिता केदार पाठक करगहर थाना क्षेत्र के सुशीना निवासी रूप में की गई है। ऐसे में इस घटना में कुल 5 आरोपियों को नामजद बनाया गया है, जिसमें एक जेल में पहले से बंद है और जो फरार चल रहे हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पकड़े गए युवक द्वारा लाइनर की भूमिका देखी जा रही है। ऐसे यह मामला जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पूर्व में भी जमीन को लेकर गोलीबारी की गई थी। बिहार की रोहतास से जिला ब्यूरो चीफ हरिओम चौबे की रिपोर्ट। इन लोगों की गिरफ्तारी कल पूर्व प्रमुख हैं करगहर के और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर जब वो खेत में थे तो 2 लोगों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी। वहीं पास एक लड़का को जो इसका वीडियो लाइव वीडियो बना रहा था, उसी समय तुरंत सूचना मिलने पर करगहर थाना पुलिस द्वारा तुरंत इसको पकड़ा गया और इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो भी इसके द्वारा बताया गया है उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। हत्या की होंगी, हत्या का अभी तक जैसा पता चल रहा है कि हत्या किसी ज़मीन को लेके है। पहले भी कुछ समय पहले जमीन विवाद को लेके दो पक्ष में ये चल रहा है, उसी के लिए हत्या। अभी तक के जाँच में पता चल रहा है कि जमीन को विवाद को लेके ही हत्या हुई। कितने लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है? प्राथमिकी में 5 लोगों का नाम दर्ज किया गया है, जिसमें 3 लोग अभी जेल में हैं और कहा जा रहा है कि शायद जेल से ही षड्यंत्र करके इनकी हत्या की करवाई गई। सर सर क्या रोल दिखता है? ये बेसिकली ये लाइनर है, ये जानता है कि वो कब घर से निकले थे, जिनकी हत्या हुई कब घर से निकले थे और कहाँ जा रहे हैं, तो ये इस लड़के ने उसका लाइनअप का काम किया है। हत्यारे को कब तक गिरफ्तारी की? बहुत जल्द हो जाएगा हत्यारे की गिरफ्तारी। हम लोग लगे हुए हैं और लगभग हम लोग पहुँच ही गए हैं कि हत्या कैसे हुई और किसके द्वारा की गई है। इसकी गिरफ्तारी हम लोग जल्द हो जाएगी। हमारी टीम लगी हुई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसकी गिरफ्तारी।